और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का फर्स्ट व्लॉग। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँ, मुझे मैं अपने आप को ना कैमरा से दिखी आ रही हूँ। अभी की सिचुएशन ये है कि मैं रेडी हुई हूँ खाला की तरफ जाने के लिए, खाला की तरफ हमारी दावत है। कुछ ये कंडीशन है मेरे रूम की, क्योंकि अभी अभी लड़कियाँ होकर गई हैं और मेरा आज का ये वाला ड्रेस है, तो मैं ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। ये तो भाई जान है ना कि इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो अभी जो है ना मैं डांट पड़ी है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ, एक शॉल लेके आई हूँ वो बनानी है। तो फाइनली जी खाला के घर आ चुकी हूँ, पर इन्होंने जी हमारे आने से पहले ही ना सारा खाना खत्म कर दिया हुआ है। और ये छोटा छोटा सा बोना आया खाला का, अस्सलाम वालेकुम कर दो। हाँ जी आप निकलने पर बल्कि लगी हूँ बताना क्या मैं। बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज व्लॉग। अच्छा मैंने गैप काफी ज्यादा ले लिया, मतलब आफ्टर ईद, बड़ी ईद, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया जिसका आप लोगों को वेट था। आप लोग कमेंट्स करते थे कि आप नहीं व्लॉग बना रही, नहीं बना रही, नहीं बना रही। काफ़ी ज़्यादा बिजी होती थी और मैंने टिकटॉक पे मिनी व्लॉग स्टार्ट कर दिए थे, तो उसकी वजह से मैंने ये यूट्यूब जो थी वो स्किप कर दी थी। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अभी की सिचुएशन ये है कि मैं रेडी हुई हूँ खाला की तरफ जाने के लिए, खाला की तरफ हमारी दावत है, तो वहाँ पे जाने के लिए रेडी होती हूँ और फिर रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं अपने रूम में आई हूँ, तो कुछ ये कंडीशन है मेरे रूम की, क्योंकि अभी अभी लड़कियाँ होकर गई हैं। और मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ कि मुझे चाहिए था हेयर ड्रायर, क्योंकि मैंने ना अभी रिसेंटली शावर लिया था तो मुझे बाल सुखाने हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज खाला की तरफ। ठीक है, तो ये हेयर ड्रायर लेके जाने लगी हूँ, अपने बाल ड्राई करती हूँ और रेडी होकर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। ठीक है, तो अभी जा रही हूँ मैं रूम में और जो कपड़े हैं वो मामा प्रेस कर रही थी, ये कपड़े प्रेस हो रहे हैं और मेरा आज का ये वाला ड्रेस है। और मैं आप लोगों को फुल लुक अभी दिखाती हूँ कि किस तरह का है, बाकी बाल ड्राई करके तो रेडी होती हूँ। और यहाँ पे जी मम्मा ने दुपट्टा छोड़ दिया था और मैं उसको प्रेस करने लगी थी, और यहाँ पे हसन बैठा हुआ है और कह रहा है मेरी तरफ कैमरा ना करो। यहाँ पे ना मैं हसन के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर सुन रही थी और फिर मैंने साथ साथ दुपट्टा इस्त्री किया है, दुपट्टा ख़त्म हो गया, हसन के लेक्चर नहीं ख़त्म हो रहे। और मैं अपने टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हूँ ड्रेस पहनने में, खाना बहुत रेयर बुलाती हैं और मैं किचन में क्या करने आ रही हूँ। खैर आप लोगों को तो मेरे घर का पता ही है, क्योंकि मैं पहले पूरी ज़िंदगी व्लॉग्स ही बनाती रही हूँ और अब कहीं आके हम लोगों ने व्लॉग्स छोड़े हैं अपने यूट्यूब के, और मैं टिकटॉक पे ज़्यादा व्लॉग्स बनाती हूँ मिनी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो मैं ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और मैंने ना नीचे पहने हुए ये वाले सॉक्स, पहले के नहीं है अभी पहने हैं, ताकि मैं शूज़ वो पहनूँ जो कवर कर दें। और मम्मा ने मुझे इतने प्यारे शूज़ दिए हैं कि वो जो सॉक्स है वो जहर लग रहे हैं, तो अब ये सॉक्स चेंज करते हैं साथ ही ये वाले शूज़ पहनते हैं। मैंने ना ये वाला एक चादर पकड़ लिया है जो हम लोगों ने रेडी करके अंकल को देनी थी, अभी तो साथ मैंने बैग रख लिया और मैं अभी रेडी होने लगी हूँ चीज़ें वगैरह निकाल के। सॉक्स मैंने उतार दिए हैं क्योंकि वो अच्छे ही नहीं थे लग रहे, और बाकी अभी रेडी हो जाए फिर मिलते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बट मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि मैं ये वाली लगाऊँ या ये वाली, दोनों में से मुझे समझ नहीं आ रही मेरे ड्रेस के साथ कौन सी ठीक रहेगी। आपको पिक्चर में दोनों एक जैसी लग रही हैं, बट मुझे ये वाली ठीक लग रही है, ये थोड़ी लाइट हो जाएगी, या दोनों को मर्ज करके लगा लेते हैं। तो अभी जो है ना हसन मामा को छोड़ने के लिए गया हुआ है, फिर मैं देर में ज्वेलरी भी डिसाइड कर लेती हूँ। प्लस मैंने आपको जो बताया था कि वो मुझे एक चादर है वो भी साथ लेके जानी है अंकल को देने के लिए, तो इसलिए हसन मामा को छोड़ने के लिए गया है। तो अभी मैं ना आपको बाय पहन के रेडी होकर दिखाती हूँ। मैं रिंग्स डिसाइड कर रही थी तो ना मेरी नज़र पड़ी बटरफ्लाई वाली रिंग पे, तो लोगों ने इसको फिर नहीं छोड़ना, दिल तो बहुत कर रहा है क्योंकि ना हर रिंग में से आपको पसंद ही ये वाली होती है। एक ये वाली है और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें डिसाइड करके पहनती हूँ कि मैंने कौन सी पहनी है। ये तो भाई जान है ना कि इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, ये इतनी प्यारी है, पैसे पूरे कर लिए मैंने पहन पहन के। रिंग्स मैंने वही वाली पहनी है, एक ये पहनी है, साथ ही ये वॉच है, प्लस ये वाली रिंग पहनी है। ठीक है, तो अभी मैं बाय पहनने लगी हूँ, और प्लस जो है ना ये वाला दुपट्टा जो मैंने आप लोगों को बताया था, प्लस मैंने अपना बैग भी अभी रेडी करना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी है, हो सकता है खाला कहें कि घर रह लो हमारे,
और हो सकता है ना कहें, तो वो दोनों चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी। सॉक्स वगैरह आप लोग देख रहे हो मैंने रख ली हैं, क्योंकि मुझे पता है वापसी पे जो है ना ठंड हो जानी है, और फिर सॉक्स इसके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी अभी जो है ना मैं अबाया ले लूँ अपना, जो आप लोगों को व्लॉग्स में नज़र आता है। खैर अबाया ले लिया, सास ट्रॉलर भी ले लेते हैं, और फिर रेडी होके तो हसन का वेट करती हूँ। ठीक है जी, तो मैं आपको मिलती हूँ अबाया पहनने के बाद। तो जी फाइनली आई एम रेडी, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का फर्स्ट व्लॉग। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँ, मैं चीज़ें मैं अपने आप को ना कैमरा से दिखी जा रही हूँ। खैर अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आज खाला ने वैसे ही रैंडमली दावत की थी, कोई ख़ास नहीं था, उन्होंने हमें वैसे ही बुलाया था अपनी तरफ, और हम लोगों ने कैमरा नीचे जाता जा रहा है। तो आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैमरे के सामने किस तरह से बोलूँ, क्योंकि मैं ऐसे कैमरे के सामने पहले नहीं बोलती थी, आप लोगों को पता ही है। या तो टिकटॉक पे हम इस तरह से होते थे, और वो भी वॉइस ओवर होता था, लाइव बात नहीं थी होती। और अभी रेडी हो चुकी हूँ, अभी हसन का वेट कर रही हूँ, उसे मामा को छोड़ने के लिए गया, मैंने जाना है उसके साथ पहले मार्केट, और वहाँ से वेलवेट लेनी है, फिर अंकल को चादर देनी है, फिर लैस लेनी है, वो देने के बाद फिर मैंने जाना है खाला की तरफ। तो अभी हसन का वेट करती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो अभी हसन जो है वो आ चुका है, और मैं निकलने लगी हूँ। ठीक है, ताले शाले लगाते हैं और निकलती हूँ, और रास्ते में आपको मिलती हूँ। और मुझे अगर ये सब कुछ पता था तो मैं क्यों नहीं जल्दी उठी। मैंने एक हरकत कर दी है कि मैं अपनी सारी चीज़ें ऊपर ही भूल आई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर ये चीज़ें लेने के लिए। तो अभी मैंने दुपट्टा ले लिया, और हसन बाहर खड़ा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है। अभी चलती हूँ फिर मिलती हूँ। जी बैंक के बाहर खड़े हैं, और बैंक के बाहर कुछ इतना रश है, अंदर जाके हसन भी खड़ा हो गया, चार बंदे पहले लगे हुए हैं, और यहाँ से पैसे निकलवाने के बाद मैंने जाना है वेलवेट लेने के लिए, तो वो लेने के लिए चलते हैं, पैसे निकल आए तो। हसन आ चुका है और मैं अब जाने लगी हूँ वहाँ पे जाके, पहले तो हम शॉल देते हैं ना जो ज़रूरी काम है। और अभी हम आ चुके हैं अली भाई के पास। अली भाई एक शॉल लेके आई हूँ, एक शॉल लेके आई हूँ बनाने, खोलिएगा। ये काली शॉल है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, लिखा इसके ऊपर है जैसे चादर हमने पहले बनाई थी ना ग्रीन वाली, हाँ उल्टी साइड पे उल्टा करके लिखा हुआ है। और अली भाई ये कल चाहिए, इतना ज्यादा काम नहीं है, और छह लाइनें हैं और एक ये नाम है। ठीक है, और मैं लेस लेके आई हूँ इसके साथ। जी जाके ना अंदर देख रहे हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाना है, मुझे समझ नहीं थी आ रही। खैर यहाँ पे अब हम लोगों ने जाना है घर। ठीक है जी, अभी जी हम निकल चुके हैं खाला के घर के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और वहाँ जाके अब मिलती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है इस वजह से। जी हम खाला के घर आ चुके हैं, बड़ा गेट खोलो हसन भाई आए। तो फाइनली जी खाला के घर आ चुकी हूँ, अंदर आके सबको मिलके फिर आप लोगों को मिलती हूँ। हसन अंदर पर इन्होंने जी हमारे आने से पहले ही ना सारा खाना ख़त्म कर दिया हुआ है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। हम अपनी सीट पे आ जाए, और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया। हाँ जी हाँ जी, आयशा की शिकायतें लगाने के लिए आई हूँ मैं स्पेशली। हाँ हाय आप कर लो, हाय जो भी इनकी दोस्त हैं ना, अपने दोस्तों को बताना कि हम इस व्लॉग में आए हैं। ठीक है, देखा था, हादी भी आ जाए,
हानी भी आ जाए। और जब आप गुलदस्ता नहीं बुलाए थे ड्राइवर से, मामा वाला भी हम देख रखा था। सारे देखे थे? हाँ जी। अच्छा जी। और वो जी हसन भी है और ये हनी है जी। खैर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रूम में, चल गई है जी। अब हमने लाइट चला ली, मैंने अपना बाया रख दिया। खाला कह रही है अभी नहीं जाना आप लोगों ने, आप लोग हाँ और बातें शाते करनी है और टाइम स्पेंड करना है, ठीक है जी। और वो आपको अली नज़र आ रहा है, अली यहीं से आ गया था वर्किंग पे। और ये छोटा छोटा सा बोना आया खाला का, अस्सलाम वालेकुम कर दो। हाय दा, हाय कर दो, वो देखो नहीं मारता। वो गुस्सा आ गया उसको। और ये जी खाला थी, ये था हसन, और ये है अली लाला गुस्से वाला। और अब हम जा रहे हैं अंदर। हाँ जी आप अब इसने पासवर्ड लगवा लिया और यहाँ पे इजी होके बैठ गया जी। तो मैं अब निकल लगी हूँ, बाहर पहनने लगी हूँ अपना, और यहाँ पे बातें शातें चल रही हैं। ऑलमोस्ट जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मेरे स्टॉलर भी नीचे गिर गए हैं, तो बाहर पहन के रेडी होते हैं। कर लिया अब, सारे बाहर चले गए, मुझे गालियाँ पड़ जानी हैं, ठीक है जी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकलती हूँ तो फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है जी। निकलने तो बल्कि लगी हूँ, बताना क्या मैं। और यहाँ पे सारे जा रहे हैं, बाय 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 जी। अभी टाइम क्या हुआ वैसे, 12 बज गए, 11 भी नहीं बजे, ठीक है जी। हम जल्दी निकल आए हैं और शॉल वगैरह ले लिया। ये ना माही हमारी कुछ बातें कर रही हैं, आशा अंदर है, बैग ले लिया, ठीक है जी। घर पहुंचने लगे हैं, आज का व्लॉग एंड कर लेते हैं। फाइनली बैक होम। ये रास्ते में मुझे स्टिक्स चाहिए थी तो मैंने रास्ते में से ही ले ली हैं। और वो हसन है, अच्छा दरवाज़ा लगा रही हूँ, वो आ जाता है वो जी। मुझे बातें कर रहा है कि वैसे ही दरवाज़ा लगाया, लॉक क्यों नहीं लगाया। खैर ऊपर जाती हूँ फिर लॉक का एंड करते हैं। फाइनली घर पहुँच गए हैं, तो फाइनली घर पहुँच गई हूँ और अच्छा रहा है आज का दिन। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छी व्लॉगिंग की होगी और आज का व्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।